बिलगांव थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर में लूट के प्रयास से एक सशस्त्र अपराधी ने आरबीआई के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को घायल कर दिया। हालांकि 85 साल की उम्र में भी उन्होंने समय सूचकता से उनका मुकाबला किया और आखिरकार अपराधी पकड़े जाने के डर से भाग गए। उनकी हिम्मत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। 85 वर्षीय शरद चंद्र कोल्हाटकर आरबीआई से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वो जयप्रकाश नगर स्थित आरबीआई कॉलोनी में रहते हैं। उनकी दो बेटियां हैं और खामला में रहती हैं। गुरुवार सुबह 9 बजे कोल्हाटकर ड्राइंग रूम में एक सोफे पर सो रहे थे। मुख्य दरवाजे का कांच खुला था। वहीं 35 से 40 साल की उम्र का एक शख्स चाकू लेकर घर में घुसा। कोल्हाटकर को चाकू दिखाते हुए उन्होंने कहा, आपके पास जो भी सामग्री हो उसे बाहर निकालो। अचानक हुई इस घटना से कोल्हाटकर सहम गए। उनने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरे को कहा, किस तरह का माल। यह रवैया देखकर लुटेरे कोल्हाटकर पर भड़क गए। हिम्मत दिखाते हुए कोल्हाटकर ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। इसी प्रयास में उसने कोल्हाटकर के दाहिने हाथ पर चाकू से वार कर दिया। अंगूठे और कलाई पर चोट के निशान थे। इसके बावजूद कोल्हाटकर चिल्लाए और लुटेरों से लड़ने लगे। इसमें हमने सीसीटीवी फुटेज सारे चेक कर लिए। बहुत अभी भी जांच पड़ताल शुरू है। हमने सीओसी के कैमरे भी चेक किए, उसमें भी हमारी अभी टीम लगी हुई है। और जो कोल्हाटकर साहब को जिन लोगों पे लग रहा था कि डाउट था, उन लोगों को भी चेक कर लिया, उनको भी उनके सामने पेश किया गया। लेकिन अभी तक उसमें वो आरोपी की जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। यह आवाज सुनकर उसकी पत्नी रोहिणी भी बाथरूम से चीखने चिल्लाने लगी। पकड़े जाने के डर से लुटेरा कोल्हाटकर को मुक्का मारकर भाग गया। सदमे से कोल्हाटकर के सिर में चोट लग गई। कोल्हाटकर ने पड़ोसियों को सूचित किया। इसके बाद सोनेगांव पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया है। इलाके में लगे सीसीटीवी से आरोपितों की तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।